हेलो गाइज, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गाइज कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत रात के 8:30 बजे से हो रही है। तो हम लोग आज कूटने वाले हैं चूड़े हमारे घर में। तो मैं अभी अपने कमरे में हूँ और आने वाली हमारे चूड़े कूटने वाली टीम हमारे पड़ोसी जो हैं दीदी ताई लोग। तो गाइज आप लोग बने रहे मेरे साथ। वाली टीम ये है ना बू, ये तो बिना काम काज की कुछ नहीं है, ये खाने के लिए आई है। ये सोनी है, ये रीना दीदी है, आप तो जानती है ये आग लगाने वाली है ये। आज और कोई लगा रहे हो? दर्शनी दीदी है, ये गलदेव है, ना बुखानी में ऐसा सुनीता रश्मि बांध। तो ये ताई जी है, ये भून रही है, देखे खाजा भून रहे हैं, चूड़ा 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 भून रहे, कूट रहे कूट रहे। और ये है मेरी माँ, सोनी तो पले पकड़। देख रीना दी और दर्शन दी, क्या दमदार फोटो माने। आ बैग सुनीता रश्मि बंद और दर्शन दी कहाँ बे वाली थी सोरा को त्यार बात बुरे हैं इन बोल आज हद करेली। ये देख आवे सोनीर मी आ सोनी च अंटरे नो आम्मी च हाथ पे छा लगी म्यारा आता अन्यार पर करी नो हम मुख तो जन का कुटने वाला हम चूड़ा। ये देख क्या दना दन लग्या शाबाश मी सिगेल मी रोड़ो मान आप। तो ये देखो दगड़ो मे मार ताई जी बुजुर्ग पार्टी भी देखा तुम कति बड़े रोड़े मान्या इवे तक तो बुरे और जवान जवान ची। ये देखो तुम पहली जवान हाथ पे छा लगी पहली एक्सपीरियंस से ना उन्होंने हेलो गाइस। तो कूटे जा चुके हैं चूड़े और चूड़े कूट के लोग जो चूड़े कूटने वाले थे वो अपने घरों को भी चले गए और उसके बाद हम सो के उठ भी गए। तो सबसे पहले आप सभी को सुबह की आज के प्यारी सी सुबह की आप सभी को मेरी नमस्ते। तो गाइज आज के दिन की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत मेरे घर से हो रही है, घर पर ही हूँ मैं। आज मैं करूँगी सिलाई और माँ चली गई झंगूरे का जो नए होता है उसको काटने के लिए और यहाँ पे मनवे की लोमान भी हो चुकी है शुरू। तो दो दो काम आजकल चल रहे हैं तो मैं फ़िलहाल अभी सिलाई करूँगी तो शाम को देखती हूँ कहाँ जाती हूँ। तो गाइज आप बने रहो मेरे साथ। तो गाइज हो चुकी मेरी सिलाई शुरू और आज सिल रही हूँ मैं ब्लाउज और ये ब्लाउज की कटिंग मैंने कल की करके रखी हुई थी तो आज सिलूँगी मैं। और इसके बाद ये साड़ी का ब्लाउज है और इसके बाद जो है कि प्लेन वाला ब्लाउज मेरे को सिलना है। तो आप लोग देखिए और बने रहिए मेरे साथ। गाइज 11 बज चुके हैं और एक ब्लाउज हो चुका है मेरा पूरा और माँ भी नहीं आई अभी खेत से, सारे लोग नैयो काट रहे हैं दगड़ियों भरी धूप में। मैं तो आज छाया में बैठी हूँ लेकिन सारे काट रहे हैं। देखो मैं साथ में ना चूड़े भी खा रही हूँ, आ जाओ चूड़े खाने, क्योंकि कल रात के कूट के रखे थे तो साथ साथ में खा लेती हूँ। देखो यहाँ पे चीनी चिपक रखी है। तो दगड़ियों बने रहे आप मेरे साथ, मैं सिलाई कर रही हूँ अभी दूसरा ब्लाउज सिल रही हूँ ये। तो उसके बाद थोड़ी देर में माँ नहीं आएगी टाइम से तो खाना भी बनाना पड़ेगा। तो आ जाइए पानी पीने और खाजे खाने। तो बने रहिए आप, मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइस ब्लाउज सिल दिए मैंने और अब लगाऊंगी मैं बटन हुक ब्लाउज पे और उसके बाद मुझे खाना बनाना है क्योंकि माँ अभी तक नहीं आई है। तो
आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो गाइस ये मैं काज बना रही हूँ और इसके बाद लगाऊंगी बटन, देख सकते हैं बटन सिल रही हूँ मैं ब्लाउज के, और उसके बाद हुक सिल के फिर हो जाएंगे दोनों ब्लाउज तैयार। आप लोग देखिए, बने रहिए मेरे साथ। तो दगड़ियों लग गए बटन भी और हुक भी, ब्लाउज तैयार हो चुका है। दिखाती हूँ आप लोगों को और देखिए आप, फिर मैं खाना बनाने जाती हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए प्लेन वाला ब्लाउज है और ये दूसरा वाला अस्तर वाला ब्लाउज है, ये साड़ी का है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हो चुके हैं तैयार। बनाने जा रही हूँ खाना, जिसको खाना खाने आना है आ जाइए। और एक ककड़ी भी है मेरे पास, देखिए ये सुबह रिसान से आई थी, कोई कपड़े लेने आए थे तो ये सुबह लेके आए थे हमारे लिए। इसका कमर हो रखा है, ये देखो आ जाओ, हरी हरी ककड़ी, बाहर बहुत धूप है। तो आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं बनाती हूँ खाना फिर खिलाती हूँ सबको। एक बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी का घास का भारा लेने, सोल्टा भारा, पता नहीं क्या लेके गई है माँ। और खाना मैंने बना दिया है, तो माँ गई है वो नीचे मंदिर के उधर है हमारा खेत वहाँ पे, तो सोल्टा लेके आती हूँ मैं। भरी धूप हो रखी है बहुत तेज। अम्मी माँ बहुत लेके दोनों बड़ी निशोत है घाम, बड़ो घाम भी लगी हो फले बटी, बड़ी फेंक भी लगी हो साओ धरो असोच बेकार में इंच दगड़े हो क्या कर। तो मैं जाती हूँ घर, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं घर में, और इतना थोड़ा सा आने में मेरी सांस फूल गई क्योंकि बहुत तेज़ धूप है। देखिए माँ के बोतल दातली और जोड़ी। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद, आज जिसको भूख लगी है खाना खाने आ जाइए। तो गाइस 3 बज चुके हैं, हमने खाना खा लिया और मेरी माँ लग गई दोबारा से काम पे, मैं तो सो गई थी। तो दगड़ियों मियाँ माई कभी थैक नहीं लगे ना जी बनी वेल मियाँ माँ गावे ये चाहो ये तो कोद भी कुटिया अलग ही क्वाट 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 मणि कोई बोल दिया कमेंट में आराम कौनी कोई कमेंट कर के बोल जाओ कि आराम करी के नहीं तो निकेन में महामा बोली पे तब तो करेल कि लेकिन मैं हमारा डेली ब्लॉग देखे ना तो कमेंट दिए के पता चल जाए कि आराम कौन के लगी चाहिए क्वाट 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 कौन पे। तो गाइस अब जा रही हूँ मैं नैयो काटने खेत में, तो यहीं नज़दीक ही जा रही हूँ, मतलब ये घर के आगे ही नैयो का खेत, बताती हूँ आप लोगों को। ये रहा नैयो का खेत, ये काटे अभी हमने, तो मिलते हैं बाद में। ये देखो गाइस नैयो काट रहे हैं हम, ये है इतना बड़ा नैयो रखा है झंगोरे का, नैयो काट के फिर पुजुंगा लगा के फिर बताते हैं आप लोगों को, आप लोग बने रहे हमारे साथ। गाइस आधा खेत काट दिया हमने नैयो, ये देखिए, और आधा रह गया कल काटेंगे क्योंकि रात भी होने लग गई है, 6:30 हो चुके हैं और अब जाएंगे हम घर। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कितने पुजिंगे लगा रखे हैं हमने, आफत आ गई। ये देखो दगड़ियों पुजिंगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, इतने लगा रखे हैं, आधा खेत और रह गया है। माँ भर रही है घास का सुलटी, भर दिया है। ये रहो पुजिंगे की लाइन लगा रखी मैंने, ये बारीक बारीक खेत है ना, तो एक लाइन से बना रखे गाइस। देखो मैंने सोल्टी लगा रखी है और हम जा रहे हैं घर को। और किरण बारी बांध रही है पू घास का,
एक रन भर चल चल हो आपे किरण बारी भी अभी तक यहाँ पे नहीं काट रही थी। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को किरण बारी का खेत। अंधेरा भी हो चुका है, बड़ी आफत आ रखी है किरण बारी पे भी और हम पर भी, सब पे आती है ही या सोच तो आफत तो आएगी। किरण बारी क्यों गाने ली गाने खाली कहाँ लाड़ी किरण बारी ने काटा ये वाला खेत, देखो कितने पुजिंग बना रखे। अरे काम चोर या बिरा लग ला था तूनी चोर भी है दे ना ओ दगड़े आ जाए क्या चो ब्लॉग चले आई किरण बारी वे छोड़े हैं कद्दू चोरी हैं यो तो कद्दू बती भर भर तो गाय जा चुकी हूँ मैं गोट में। ये देखो हमारी भैंस हो रखी है और गाय खड़ी हो रखी है। अंधेरा हो गया, भैंस भी काली अंधेरा भी काला इसलिए दिख नहीं रही है, गोरी गोरी गाय तो दिख ही रही है। गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं घर में और तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और अभी खाना भी बनाना है और बाद में हमें आज भी चूड़े कूटने जाने हैं सोनी के और दर्शनी दीदी के, तो आप लोगों को भी खिलाएंगे, चिंता मत करो आप लोग। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ, आप लोगों को कल मिलती हूँ नई सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।